सारे पसंद आ रहे हैं आपको? ओ हो गए क्या? लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बद्दी की जो मार्केट है वहाँ जाएंगे, मैं जाऊँगा, नैना जाएगी और आरोही जाएगी। तो बाकी का जो ब्लॉग है हम लोग वहीं पे शूट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे दिवाली में जो डेकोरेशंस है पूरी मार्केट की किस तरह से हो रखी है, पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चले चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो गाइज, फाइनली हम लोग जो है बद्दी की मार्केट में पहुंच चुके हैं। अभी देखिए दुकानें किस तरह से पूरी तरह से सजी हुई है, क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल सीजन आप लोगों को पता होगा कि आ रहा है, और दुकानों को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज, अभी हम पहुंचे हैं एक शॉप पे नैना के लिए एक दिवाली का गिफ्ट लेना है। उसे पर्स बहुत ही पसंद है, तो उसकी पसंद का ही हम लोग पर्स उसको दिलवाएंगे। तो देखते हैं नैना को कौन सा पसंद आता है पर्स। क्या पसंद है आपको, दिखाओ कौन सा पसंद है आपको। ये को लाइट्स ही पसंद, लाइट्स देखो कितनी अच्छी है। हाँ जी, वो छोटी छोटी गैया देखो, कृष्ण गोपाल। तो गाइस देखिए, रोहित का भी एक पसंद आया पर्स। अरे पसंद आया आपको पर्स, अच्छा है ना आपके, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, लेनी है आपके लिए। चलो ठीक है, रोहित के लिए ये जो गिफ्ट है उसको पसंद करते हैं। तो गाइस, नैना की जो शॉपिंग है वो हो चुकी है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप के लिए। तो चलिए गाइस, आरोही को इस ट्रॉली पे बैठ के घुमाते हैं, क्योंकि चलते चलते आरोही भी थक गई होगी। तो दोनों हाथों में लिए पिस्तौल, एक जो बच्चा है आरोही के साथ खेलते हुए, आरोही को एंटरटेन करते हुए पूरी तरीके से। आरोही से खेलने के लिए उसकी जो सिस्टर है वो भी आ गई है, दोनों आरोही के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आरोही को अभी इस ट्रॉली पे थोड़ा सा घुमा देते हैं, उसको जूते की तरह। देखिए आरोही को राउंड राउंड घुमाएंगे, अभी हम उसको पूरा एंटरटेन करेंगे। नैना जो है वो अपनी शॉपिंग कर रही है, हम दोनों अपने में ही मस्त और पूरा एंजॉय कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो गाइस, मैं और आरोही तो बिल्कुल बुरे तरीके से थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और नैना की शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, और हम लोग तो यहाँ पे आके रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक नैना फ्री होगी हम लोग यहीं पे उसका वेट करेंगे। आरोही जाना है अपने झूले पे, चलो आ जाओ, चलते हैं आपको झूले पे घुमा के लाते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी 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 चलो। अरे झूलना है अपने, झूठा झूलना है अपने, अच्छा लगे ना झूला आपको। नहीं यार, आप छोटे हो, आपको छोटे। अरे कौन सा पसंद है आपको, ये वाला ले लो, फिर कौन सा लेना है, ये लेना है। देखिए यार, इन्हें ये लेना है, कपड़े तो है नहीं इसमें, खाली लेना है, खाली ले लेना। इसको लगा दो यहीं पर जहाँ से निकाला था ना, यहाँ पर लगा दो। चलो ये भी पसंद आ गया आपको, और भी आपको सारा कुछ ही पसंद आ रहा है, ये ठीक है। तो गाइस, अभी हम आए हैं नई शॉप पे आरोही के लिए कपड़े लेने के लिए, दिवाली के लिए उसके लिए। अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं ऊपर, नीचे आ जाओ। ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं भी आ जाऊँ। नहीं मैं रहने देता, मैं नीचे रहता हूँ, आप जाओ ऊपर, अकेले चले जाओगे, बस नीचे आ गए, अब नहीं जाना ऊपर। इधर ये देखो, ये शीशा कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अच्छा है? आ गया पसंद आपको, मेरे नहीं आपके लिए है ये। देखिए यार, वही मेरे को लगा के देख रहे कि मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए शीशे में देखो, चलो शीशे में, ठीक है कर दे फाइनल। चलो बोल दो मम्मा के, मम्मा मुझे पसंद आ गया। देखिए रोहित तो इतने सारे कपड़ों को देख के बिल्कुल कंफ्यूज हो रखी है, कौन सा ले कौन सा छोड़ दे। अरे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा लेना है रोहित। देखिए रोहित की मम्मी भी कंफ्यूज है बिल्कुल, इतने कपड़े देख के। नैना यार कितने कपड़े लोगे आप रोहित के लिए, कपड़े 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 लेती रहूंगी लेती रहूंगी।
ये देखिए आरोही के एक और पसंद आ गया। आरोही ये भी पसंद आ गया आपको? ये भी लेना है? चलो ले लो। देखिए आरोही को आज पूरी छूट दी गई है, जितने मर्जी कपड़े ये ट्राई कर सकते हैं पर इसको मिलेगा कोई नहीं। आरोही ट्राई करते रहो, बस मिलना कोई नहीं आपको। हाँ देखिए आरोही को एक और पसंद आ गया। आरोही यही पसंद आ गया आपको? तो गाइस अभी हम आए हैं दिवाली की डेकोरेशन का कुछ सामान लेने के लिए डेकोरेशन शॉप पे। और देखिए आरोही तो पहली दुकान के अंदर चले गई और गेट बंद हो गया, आरोही फंस चुके हैं पूरी तरीके से। आरोही कैसे आओगे अब बाहर, कैसे आओगे? तो गाइस अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, शॉपिंग करते करते बहुत ही थकावट हो गई। और देखिए दुकान पे एंट्री होते ही हमारी मुलाकात हुई है आरोही के मामा जी से। तो गाइज अभी हम जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आए हैं वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है नैना जी के कज़न से। ये देखिए गोनी है इनका नाम और ये यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे जॉब करते हैं। गाइज देखिए आरोही की जो जीभ है देखिए बिल्कुल हरी हो रखी है। तो गाइज सबसे पहले आए देखिए पनीर टिक्का आ चुका है, साथ में मलाई सोया चाप है और साथ में देखिए फिंगर चिप्स भी है साथ में। तो गाइज अभी जो है डिनर हो चुका है तो अभी हम घर चलते हैं और हम अलविदा बोलेंगे गोनी जी को। गोनी जी बाय बाय, फिर मिलते हैं दोबारा, ठीक है। गाइज अभी हम आए हैं नई शॉप पे, नैनो को एक पोचा लेना था। ना पोचा खराब हो गया पुराना है? सब कुछ खराब हो गया पोचा। ठीक है लगा ये क्वालिटी? ठीक है भैया, ठीक है पोचा, ठीक चलेगा? ठीक चलेगा जी। कोई कंप्लेंट आई तो कितने टाइम के अंदर? ये तो पूछना पड़ेगा लाला जी ने। अच्छा 6 महीने की वारंटी दे दोगे? आजकल तो वैसे बंदे की गारंटी नहीं सी। हाँ ये लाइन तो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। चलिए भैया भी भरोसा कर लेते हैं, पोचा यूज करेंगे इसको, फिर देखेंगे अगर व्यूज अच्छे आते हैं तो भैया की शॉप से और भी सामान लिया करेंगे। देखिए देखा धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो गाइस फाइनली देखिए घर पहुंच चुके हैं, बहुत ही देर हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल ही। देखिए रोही भी सो गई है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, आरोही तो रास्ते में आते आते ही सो गई थी, बहुत ही लेट हो चुका था। तो अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कोई सेंस है इस बात की?